संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। धर्म भावना के अंतर्गत श्रावक धर्म की चर्चा चल रही थी, जिस पर अपन ने विस्तार से 11 प्रतिमाओं की चर्चा की। अब इसके बाद मुनि धर्म पर चर्चा करनी है। शेढ़ाला नामक जो ग्रंथ है, जिसे छोटा समय सार कहा जाता है, जैन दर्शन का हिंदी में एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बीच में ही 12 भावनाओं की चर्चा की है। इन 12 भावनाओं के अंतर्गत ही अपन धर्म भावना की चर्चा कर रहे हैं। उसकी चौथी ढाल में जहां श्रावक धर्म का वर्णन है, वहीं छठवीं ढाल में मुनि धर्म का वर्णन है, और बीच में जो पांचवीं ढाल है उसमें 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है, और उसमें स्पष्ट घोषणा की है कि कोई जीव जब मुनि धर्म धारण करता है तो उसकी उत्पत्ति के लिए अपने हृदय की वैराग्यमय बनाने के लिए, हृदय को वैराग्यमय बनाने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। जैसा कि उनकी इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि मुनि सकल व्रति बड़े भागी, भवे भोगान ते वैरागी, वैरागे ओ पावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। के वे मुनिराज बड़े भाग्यवान हैं जो सकल वृत्ति हैं, यानी ग्रस्त होता है देश वृत्ति, हिंसादि पापों का एक देश त्याग करता है, इसलिए उसका नाम है देश वृत्ति। और मुनिराज हिंसादि पांच पापों का पूरी तरह त्याग करते हैं, इसलिए उनका नाम है महावृत्ति, सकल वृत्ति। तो वो कहते, वो सकल वृत्ति मुनिराज ही बड़े भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि वे भव भोगन तें वैरागी। वे भव माने ये संसार, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश और गांव, और पांच इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, इन दोनों से उन्होंने वैराग्य ले लिया है, इन दोनों के प्रति उनका राग टूट गया है, इसलिए वे बड़े भाग्यवान हैं। लोक में तो हम ऐसा मानते हैं कि हमें कोई रुपया पैसे की प्राप्ति हो जाए तो हम समझते हैं बड़े भाग्यवान हैं, यदि यश मिल जाए तो हम समझते हैं बड़े भाग्यवान हैं, यदि हमें कोई राजनीति में बड़ा पद मिल जाए तो हम समझते हैं बड़े भाग्यवान हैं, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो हम ये समझते हैं बड़े भाग्यवान हैं, अनुकूल स्त्री पुत्रादिक की प्राप्ति हो जाए तो हमें समझते हैं कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं, और हमें ना मिले तो जिसको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं हम उसे भाग्यवान मानते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट कहा है कि पांच इंद्रिय के भोगों को प्राप्त करने वाले और स्त्री पुत्र आदि के संयोग को प्राप्त करने वाले लोग भाग्यवान नहीं हैं, बल्कि वे मुनिराज जिन्होंने पांच इंद्रियों के विषय भोगों का त्याग किया है और जिसने स्त्री पुत्रादि के राग को तोड़ा है, वे मुनिराज ही बड़े भाग्यवान हैं। और उन्हें बड़े भाग्यवान बनने में, यानी राग को तोड़ने में और वैराग को पैदा करने में, यदि कोई सबसे बड़ा कारण है
तो वो है ये 12 भावनाओं का चिंतमन कि मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी भव भोगन तें बैरागी बैराग्य उपावन माही। ये बैराग्य की उत्पत्ति के लिए बैराग्य उपावन माही चिंते अनुप्रेक्षा भाई कि वे ये 12 भावनाओं का चिंतमन करते हैं। यानी बैराग्य की उत्पत्ति के लिए अथवा जो बैराग उन्हें उत्पन्न हो गया है उसमें और दृढ़ता प्रदान करने के लिए, उसमें और मजबूती देने के लिए वे 12 भावनाओं का चिंतमन करते हैं। वे 12 भावनाओं का चिंतमन करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होता है इससे, इसके बारे में भी छेड़ालाकार चुप नहीं है। इसके बारे में भी वो कहते हैं कि इन चिंतत सम सुख जागे जिमी ज्वलन पवन के लागे। जैसे अग्नि है ना और उसमें हवा लगे तो वो और तेज जलने लगती है, हवा के बिना वो बुझने लगती है, और जब जब हवा लगती है तो वो तेज जलने लगती है। हवा में ऑक्सीजन होता है ना, अग्नि को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें हवा लगती है तो वो तेज जलने लगती है। ऐसे ही कहते जिमी ज्वलन पवन के लागे, हवा के लगने से अग्नि जलने लगती है, उसी प्रकार से वैराग्य भावना के चिंतमन से और समता रूपी सुख जागता है। इन चिंतत सम सुख जागे, इनके चिंतमन करने से समता रूपी सुख की जागृति होती है। कैसे, जैसे कि हवा के लगने से अग्नि जल उठती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 12 भावनाएं गृहस्थ भी चिंतमन करता है और मुनिराज भी चिंतमन करते हैं, क्योंकि मुनि धर्म की प्राप्ति के योग्य वैराग्य के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतमन किया जाता है। ये बात यहां कही है ना, और इसके बाद में मुनि धर्म का वर्णन करेंगे। इससे ये साबित होता है कि जब तक वो मुनि नहीं हुआ है तब तक तो वो श्राप गई है ना, और वो 12 भावनाओं का चिंतमन कर रहा है। और एक बात ये भी है कि इसके चिंतमन में जैसी चर्चा आई वो एक श्रावक की ही का ही चिंतमन हो सकता है। जैसे सुरत दारा हुए न सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी, स्त्री पुत्रादि कोई साथी नहीं है सब स्वार्थ के साथी हैं, तो मुनिराजों के तो स्त्री पुत्रादि है ही नहीं, वो उनको ये चिंतमन करने का क्या प्रयोजन है। ये तो खासकर गृहस्थ के संदर्भ में ही बात होगी ना, ऐसे ही कि जितने भी सुख दुख हैं वो तुझे अकेले ही भोगने पड़ेंगे, कोई भी तेरा साथ देने वाला नहीं है, सब तेरे से जुदे हैं। तो ये जो सारा चिंतमन है वो सारा चिंतमन ऐसा लगता है जैसे गृहस्थों की अपेक्षा ही है। फिर भी गजब की बात यह है कि इन 12 भावनाओं का वर्णन तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र में मुनि धर्म के संदर्भ में किया है, क्योंकि उसके 9वें अध्याय में दूसरा जो सूत्र है जिसमें लिखा है कि आश्रव निरोधा संबरा, पहले सूत्र में कि आश्रव के निरोध को संबर कहते हैं और वह संबर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिश्रय जय चारित्री, ये वो 5 महाव्रतों से होता है, 5 समितियों से होता है, 3 गुप्तियों से होता है, 10 धर्मों से होता है,
12 अनुपरीक्षाओं से होता है और 22 परिश्रमों के जीतने से होता है। तो इसमें जो गुप्ती और समिति है, ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये तो मुनिराजों के ही होती है, और परिश्रमों के जय की बात है वो भी मुनिराजों के ही होता है। तो उसके बीच में जो 10 धर्म और 12 भावनाएं आई हैं, प्रकारांतर से उसका अर्थ भी यही हो गया कि ये भी मुनि धर्म के संदर्भ में ही बात चल रही है। अब इन दोनों दृष्टियों को हम अपने ध्यान में रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 12 भावनाएं एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा चिंतमन का तरीका है जिसे गृहस्थ भी अपनाए और साधु संत भी अपनाए और आगे बढ़े तो मैं कहता हूं ज्ञानी भी अपनाए और अज्ञानी भी अपनाए, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी हैं चिंतमन में कि संसार अनित्य है, असरण है, असार है, क्या ज्ञानी ये जानते नहीं है? अकेला ही जन्मना पड़ेगा, अकेला ही मरना पड़ेगा, मोक्ष में भी अकेला ही जाना पड़ेगा, कोई साथी नहीं है और शरीर अत्यंत पवित्र है और आश्रम बहुत दुख देने वाले हैं, ये सारी बातें क्या ज्ञानी धर्मात्मा जानते नहीं है? इनके चिंतमन से तो ऐसा लगता है जिसने आज तक आत्मा का अनुभव नहीं किया, और ऐसा अज्ञानी जिसे देहादि पदार्थों में एकत्व बुद्धि है उसके तोड़ने के लिए ये बात उसे समझाई जा रही है, तो ये उसके लिए भी उपयोगी है, अज्ञानियों के लिए भी उपयोगी है। अब अज्ञानियों के लिए उपयोगी है ये बात समझने के लिए, तो ज्ञानी तो ये बात समझ चुके हैं, फिर उन्हें इनकी जरूरत क्या? तो ये कहते हैं कि वे समझ तो चुके हैं, फिर भी जो अनादिकाल का अभ्यास है वो इतने आसानी से छूटने वाला नहीं है, इसलिए अनादिकाल के अभ्यास से छूटने के लिए ज्ञानी भी इस 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं कि जिससे स्त्री पुत्रादि के प्रति, शरीर के प्रति उनका राग कम हो, क्योंकि जो चीज संस्कारों में पुरानी पड़ी रहती है वो एक दफे कुछ समझ लेने मात्र से कि स्वीकार कर लेने मात्र से जाती नहीं है। जैसे एक 60 वर्ष के हिंदू को शोरबा पिलाकर कुछ मुसलमानों ने मुसलमान बना लिया और वो भी बन गया, क्योंकि चारों तरफ का माहौल ये देखा कि यदि मैंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया तो हो सकता है मैं जिंदा भी ना रहूं। जान की कीमत पर उसने शोरबा भी पी लिया, चोटी भी मुड़ा ली और मुसलमान बन गया, लेकिन उसकी कमर में दर्द रहता था, तो जब बैठे से खड़ा हुआ तो उसके मुख से निकला हे राम, अड़ोस पड़ोस में जो मुसलमान थे उन्होंने कहा क्या कहा? अरे तुम अब हिंदू नहीं रहा, तू मुसलमान बन गया है, अब हाय खुदा बोल, हाय अल्लाह बोल, अब तू अल्लाह खुदा को याद कर, राम को याद नहीं कर। तब वो कहने लगा तुम ठीक कहते हो, लेकिन एक बात है कि ये जो राम मेरे हृदय में 60 साल से घुसा है वो तुम्हारे शोरबा पिलाने से नहीं निकल जाएगा, वो तो निकलते ही निकलते निकलेगा। ऐसे ही अनादिकाल से जो देह में एकत्व बुद्धि है, स्त्री पुत्र आदि से जो राग भाव है और भोगों में जो सुख मान रखा है और उसमें जो अनुकूलता का वेदन होता है, वो अकेला एक दफे ऐसा स्वीकार कर लेने से कि ये मेरे नहीं है, स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, शरीर मेरा नहीं है और 5 इंद्रिय के भोगों में सुख नहीं है, इतने मात्र से हृदय में से निकलने वाला नहीं है, और निकल भी जाएगा तो भी पूर्वाभ्यास के बस उपयोग उधर जाए बिना
रहेगा नहीं। इसलिए ज्ञानी जन भी उस राग को तोड़ने के लिए निरंतर इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। और मुनिराज तो इनका राग को तोड़ ही चुके हैं। वे तो स्त्री पुत्र मकान जायदाद सबको त्याग कर, घर परिवार यहां तक कि तन के वस्त्र भी त्याग कर वनवासी हो गए हैं। अब उन्हें इस 12 भावनाओं के चिंतन की क्या जरूरत है, क्योंकि उनके हृदय में भी कभी न कभी मन में पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उनके प्रति थोड़ा सा राग उमड़ने लगता है। क्यों? तो वो भी उनको परेशान ज्यादा ना करे, इसके लिए उन्हें भी इन बातों का निरंतर चिंतन करना चाहिए कि भाई इसमें कोई दम नहीं है। तो वो अपने परिणामों की निर्मलता को कायम रखने के लिए वे भी 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हैं। शास्त्रों में एक ऐसा प्रकरण आता है, एक कोई पशुडाल नाम के मुनिराज थे, एक कानी काली कलूटी औरत को छोड़कर उन्होंने दीक्षा ली थी। क्या? और दीक्षा लेने के बाद में भी कहीं ऐसा एक कमजोरी का प्रसंग आया क्या कि उसे उसकी याद सताने लग गई? तो उन्हीं के साथ ही एक मुनिराज थे जो राजकुमार थे और अपनी एक से एक सुंदर अनेक रानियों को छोड़कर दीक्षा ली थी। उन्हें समझाने के लिए उन्होंने अपने घर खबर भेजी अपनी माँ को, रानी को, राजमाता को, कि मैं घर आ रहा हूं तो मेरी जितनी पत्नियां हैं उन्हें 16 श्रृंगार करके सबको तैयार रखकर बैठा के रखना। तो ये समाचार उसने सुना तो वो बहुत अंदर उसे आश्चर्य और दुख हुआ कि मेरे इस बैरागी बेटा के हृदय में छोड़ी हुई पत्नियों का ये राग विकल्प क्यों आया, उन्हें श्रृंगार करके बैठालने की बात मेरे से क्यों कही जा रही है, मेरे घर वो इसलिए आ रहा है क्या? लेकिन आखिर चूंकि उसकी इच्छा थी, आज्ञा थी, तो उसने ऐसा किया और साथ में पुष्पडाल नाम के मुनिराज को लाकर जब वो सारी रानियां सामने बैठी थी तो वे मुनिराज बोले कि तू क्या एक कानी रानी को छोड़ के आया है, उसके लिए इतना परेशान होता है? ये देख, एक से एक खूबसूरत सुंदर मेरी रानियां हैं, तू चाहे जिनको चाहे ले ले और गृहस्थी बसा के आराम से रहे। ये सुन के सरसू जी क्या कह रहे क्या? लेकिन वो तो अपने उस मित्र को समझाना चाहते थे कि भाई इसमें क्या दम है, मैं तो इतनी इतनी सुंदर को छोड़ के आया हूं और मेरे कोई विकल्प नहीं है। और उसकी समझ में आ गया और उसकी फिर वैसी की वैसी परिणामों में स्थिरता हो गई। तो दीक्षा लेने के बाद में भी कहीं कहीं जो पुराना राग का अंकुर पड़ा रहता है वो फिर पेड़ का रूप धारण ना कर ले, उकर बढ़ा ना हो जाए, इसके लिए आवश्यकता है कि वो निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहें। इसलिए ये 12 भावनाएं ऐसी चीज हैं, अज्ञानी भी इनकी भावना भाए काय के लिए, वस्तु स्वरूप समझने के लिए, ज्ञानी इसकी भावना भाए क्यों कि परिणामों के लिए और वृद्धि करने के लिए वैरागी की, और परम वैरागी मुनिराज भी इन भावनाओं को भाए क्योंकि जिस चोटी पर वे पहुंच गए हैं वहां से गिरे नहीं। आप जानते हैं चोटी पर पहुंच जाने के बाद भी अनंत पुरुषार्थ कायम रखना पड़ता है अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। जैसे एक आदमी हाई जंप करता है या लॉन्ग जंप करता है, मान लीजिए वो 10 फुट ऊंचे तक कूद गया,
अथवा 15 फुट आगे तक लंबाई में कूद गया और रिकॉर्ड कायम कर दिया, तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा कूद जाएगा। अगली साल जब नंबर आएगा तो हो सकता है वो 8 फुट ऊपर भी ना कूद पाए, तो उसके लिए साल भर प्रैक्टिस चालू रखनी पड़ती है कि अगली साल भी वो कम से कम 10 फुट तक ऊंचाई पे कूद जाए। और यदि 1 इंच भी ऊपर उसने बढ़ गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि समझना, कायम रखना भी मुश्किल हो जाता है। एक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाने के बाद अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी बहुत शक्ति और बुद्धि लगानी पड़ती है। एक बहुत अच्छा लोकप्रिय वक्ता हो गया और उसके नाम से बहुत प्रसिद्धि हो गई, तो अब ये समझ लेना कि वो आराम से बैठ सकता है कि मैं तो बहुत प्रसिद्ध आदमी हूं और मेरा भाषण तो बहुत बढ़िया होता है। ये जनता में जो इमेज हो गई है कि बहुत बढ़िया भाषण होता है, उस इमेज को कायम रखने के लिए उसे वो ये बात मेंटेन करनी पड़ती है, वो आसानी से मेंटेन नहीं होती है। जरा अभी शिथिलता आई और उसका स्टैंडर्ड गिर जाएगा तो लोग कहने लग जाएंगे कि नाम बड़े हो दर्शन छोटे, हमने तो बहुत बड़ा नाम सुना था लेकिन हमें तो कोई माल मिला ही नहीं। तो टॉप पर पहुंच जाने के बाद भी टॉप पर बने रहने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए मुनिराजों को जिस वैराग्य के टॉप पर वे पहुंच गए हैं उसे कायम रखने के लिए भी उन्हें 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर कहना करना पड़ता है, और इसलिए मुनि धर्म में भी 12 भावनाओं का चिंतन की चर्चा की और संबर के प्रकरण में की। तो मुनिराजों के जो 12 भावनाएं होती हैं वो इस लेवल की होती है जिनसे संबर होता है, और अज्ञानी के जो 12 भावनाएं होंगी वो इस लेवल की होंगी कि जिसमें वो कम से कम अशुभ आश्रव नहीं होगे शुभ आश्रव होगा, वे शुभ भाव रूप होती हैं और उसके वो चिंतमन शुद्ध भाव रूप होता है। तो इस तरह मुनि धर्म की स्टार्टिंग करने के लिए भी ये 12 भावनाओं का चिंतमन अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने छेढ़ाला में श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा करने की बात और मुनियों के 28 मूल गुणों की चर्चा करने के बीच में इन 12 भावनाओं को स्थान दिया है, और बीच में उन 12 भावनाओं की उन्होंने चर्चा की। उस चर्चा करने के लिए ये बात न्याय संगत है, ये बताने के लिए उन्होंने ये बात कही के इने चिंतत समय सुख जागे जिमे ज्वलन पवन के लागे जब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। के इन 12 भावनाओं के चिंतमन से समता रूपी सुख जगता है, जैसे अग्नि हवा के लगने से जलती है, और जब यह जीव आत्मा आत्मा को जानता पहचानता है उसमें जमता रमता है तब ही यह मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है। जब ही जिये आत्म जाने तब ही जिये शिव सुख ठाने। आचार्य कुंद ने तो द्वादशानुपेक्षा में इन 12 भावनाओं को आनंद की जननी कहा है। स्वामी कार्तिकेय ने कार्तिकेय अनुपेक्षा में इसे वैराग की जननी कहा है। तो ये 12 भावनाएं वैराग की जननी भी हैं, आनंद की जननी भी हैं, और मुनि धर्म की प्राप्ति के पहले नियम से भाई जाती हैं। अब मुनि धर्म क्या है इसकी चर्चा अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोग
सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।